बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जुबेर। न्यू वीडियो में आप सबका खुशामदीद है। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं हैदराबाद से किंग कोठी पर्दा गेट के पास से, तो यहां पर जैसा आप देखेंगे हम आप लोगों को दो जानवर बताएंगे और दो नस्लों के अंदर जानवर बताएंगे। और माशाल्लाह यहां पर जैसा देखेंगे आप, बहुत अच्छा एक एक्टिव बकरा है जो कर्नाटक ब्रीड में आएगा इंशाल्लाह। और पूरा जेट ब्लैक कलर है, वाइट सिर पे एक छोटा सा पैच है जो चंदा है वाइट कलर में। और यहाँ पर दूसरी जो नस्ल है जो तेलंगाना पोटलो के अंदर आएगी, और यहाँ पर भी आपको माशाल्लाह अच्छे हॉर्न्स के अंदर आपको यहाँ पर भी एक दूध के दांत पे मेंढा है जो मेल बच्चा है। हम दोनों का भी वजन आपको बताएंगे और डिटेल भी बताएंगे बेचकर। और बटन कान में है माशाल्लाह कर्नाटक मेंढा ब्लैक कलर में है। और इसका जो वेट आएगा 35 to 40 kg तक इसका लाइफ वज़न आएगा। अभी दूध के दांत पर है, 19,000 रुपये भाई का आस्किंग प्राइस है कर्नाटक का। और इसके जैसा आप हथियार देखेंगे माशाल्लाह बहुत अच्छे हथियार है। इसके हथियार खींचे सो है, नहीं अभी खींचना है इसके हथियार? अच्छा, एक बार खींचे सो हथियार है बता रहे हैं भाई। तो आप इसके लिए भाई को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल जेट ब्लैक एक्टिव बकरा है बहुत। और यहाँ पर जैसा आप देखेंगे तेलंगाना बिल्कुल एक्टिव बच्चा है और गोल बच्चा है एकदम माशाल्लाह से। और दूध के दांत पे है 7,500 रुपीज़ भाई का आस्किंग प्राइस रखे है। और दोनों के अंदर आपको बिल्कुल स्लाइडली निगेशियबल होगा। तो किसी भाई को चाहिए तो हम उस्मान भाई का जो नंबर है हम वीडियो एंड डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी नंबर दे चुके हैं, तो आप लोग इनको ज़रूर कांटेक्ट करिए। तो दोनों के लिए भी आप लोग उस्मान भाई से ज़रूर कांटेक्ट करिए। और उस्मान भाई का जो लोकेशन है किंग कोठी पर्दा गेट उस्मानिया मस्जिद के पास आकर आप भाई को कांटेक्ट करिए। और ये एक नस्ली बच्चा है जो कर्नाटक के अंदर बताया हम, अभी दूध के दांत पर है, स्ट्रक्चर एक नंबर क्वालिटी में है। और इसका हम थोड़ा आपको लंगर भी बताएंगे। तो यहाँ पर जैसा देखेंगे आप बहुत अच्छे लंगर में है और हथियार भी माशाल्लाह इसके बहुत अच्छे हैं। अभी बहुत बड़े होंगे हथियार इसके। तो दोनों के लिए भी आप उस्मान को कांटेक्ट कर सकते हैं। छोड़ दो उस्मान, वही नंबर आपका दे देना। बोल दिए।